अटल सेतु जो पुल नहीं करिश्मा है, और अब इसी पुल के जरिए समंदर के ऊपर मुंबई आपको चलती हुई नजर आएगी। पीएम मोदी ने पिछले दिनों एक वीडियो शेयर किया था जो अटल सेतु का था, जिसमें पीएम मोदी ने बताया था कि वो देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन 12 तारीख को करने वाले हैं। जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन कर दिया है। ये ब्रिज मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। इससे 2 घंटे की दूरी का सफर 20 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। दरअसल दिसंबर 2016 में पीएम मोदी ने इस पुल की आधारशिला रखी थी। पुल की कुल लागत 17,843 करोड़ रुपए है, और अब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा चुका है। दरअसल करीब 7 दशक पहले मुंबई से नवी मुंबई की दूरी कम करने के लिए समुद्र पर ब्रिज तैयार करने की संकल्पना की गई थी, यानी इस बारे में सोचा गया था, जिसके बाद अब इसे बना लिया गया है। और अब अटल सेतु की हर जगह चर्चा हो रही है, क्योंकि अटल सेतु की खासियत इतनी है जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको इसकी खासियत के बारे में बताते हैं। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबा है। 17,840 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ है। 2016 के दिसंबर में इसकी आधारशिला रखी गई थी। अटल सेतु 16.5 किलोमीटर समुद्र पर तो 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। इस पुल की क्षमता रोजाना 70,000 वाहनों की है। रोज करीब 50,000 वाहनों के गुजरने का अनुमान है। पुल के उपयोग से हर साल 1 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होने का अनुमान है। इसके अलावा अटल सेतु से प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। पुल को बनाने में 1,78,000 मीट्रिक टन स्टील, 5,04,000 मीट्रिक टन सीमेंट का उपयोग किया गया है। ब्रिज पर 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पक्षियों और समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए ब्रिज पर साउंड बैरियर और एडवांस लाइटनिंग की गई है। ब्रिज की लाइफ 100 साल होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर अटल सेतु की खासियत कितनी है, और तो और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इसके तहत ब्रिज पर मोटरसाइकिल, मोपेड, तिपहिया वाहन, ऑटो और ट्रैक्टर नहीं चलेंगे। फोर व्हीलर, मिनी बस और 2XL व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। ब्रिज की चढ़ाई और उतार पर स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी। पुल पर एक तरफ का टोल 250 रुपए प्रति कार तय किया गया है, वहीं दोनों तरफ का टोल 375 रुपए प्रति कार होगा। यानी पहले से ही सब कुछ तय कर लिया गया था, क्योंकि इस पुल को बनाने के लिए पिछले कुछ सालों से ही नहीं बल्कि कई सालों से प्रयास किए जा रहे थे। दरअसल पुल के बारे में पहली बार 1962 में स्टडी की गई थी, 1994 में इसकी रिपोर्ट बनाई गई। हालांकि इसके बाद भी प्रोजेक्ट का काम अटका रहा, लेकिन 2006 में इसका टेंडर जारी किया गया, लेकिन काम नहीं हो पाया। जिसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल की आधारशिला रखी, जिसके बाद धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाया गया, और 2017 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया। अप्रैल 2018 में इस प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया गया, जिसकी डेडलाइन अगस्त 2023 तय की गई थी। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए औसतन रोज 5,403 मजदूरों और इंजीनियरों ने काम किया है। पुल के निर्माण के दौरान 7 मजदूरों की जान भी गई, जिसके बाद अटल सेतु बनकर तैयार हुआ। तो पुल का निर्माण समुद्र तल से 15 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। इसके लिए समुद्र तल से 47 मीटर तक गहरी खुदाई करनी पड़ी। पुल के आसपास भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और JNPT जैसे संवेदनशील एरिया हैं। इसे देखते हुए पुल के 8.5 किलोमीटर तक के हिस्से में 9 एज बैरियर और 6 किलोमीटर के हिस्से में साइड बैरिकेटिंग की गई है। इसके अलावा पक्षियों और समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए ब्रिज पर साउंड बैरियर और एडवांस लाइटनिंग की गई है, जिसको और खास बनाता है। तो अटल सेतु इतना मजबूत है कि इस पर भूकंप, उच्च ज्वार और तेज हवाओं के दबाव का कोई असर नहीं होगा। इसका निर्माण एपॉक्सी स्टैंड्स वाले विशेष मटेरियल से किया गया है, जिनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए किया जाता है। तो अब ब्रिज खुलने के बाद
मुंबई से नवी मुंबई, नवी मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस, मुंबई गोवा हाईवे तक बगैर ट्रैफिक में फंसे पहुंचना बेहद आसान होगा। यानी कहा जा सकता है कि देश का सबसे लंबा ब्रिज कई मायनों में बेहद खास है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।